हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 12। विषय है इतिहास हिस्ट्री का सॉल्यूशन। स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ। ये पूरी पीडीएफ वहाँ पर अपडेट हो चुकी है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सही विकल्प का चयन कर कोष्टक में लिखे आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है? रामायण, महाभारत, सामवेद, मनुस्मृति। तो सामवेद इसका उत्तर होगा। बौद्ध एवं जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 12, 14, 16, 18। तो इसका आरंभिक ग्रंथों में जैन धर्म और बौद्ध धर्म में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कलहण ने, बाणभट्ट ने, चाणक्य ने या हरिसेन ने? तो इसको हो जाएगा हरिसेन। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6 शताब्दी ईस्वी पूर्व को किसका प्रयोग से जोड़ा गया? लौह का प्रयोग। उसके बाद किस वंश के शासक अपने नाम के आगे देवदूत की उपाधि लगाते थे? कुषाण शासक। इंडिका नामक पुस्तिका की रचना किसने किया? सुकरात ने, प्लूटो ने, अरस्तु ने या मैग्निस्त ने? उसके इसका हो जाएगा मैग्निस्थनीज ने। उसके बाद अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए जिन अधिकारियों को नियुक्त किया उसे कहते हैं? धम्म महामस्त कहते हैं। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस राजा ने करवाया था? हर्ष ने, कनिष्क ने, समुद्रगुप्त ने या रुद्र दमन ने? इसका उत्तर हो जाएगा रुद्र दमन। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्का किन शासकों ने जारी किए थे? किसने किए थे? मौर्य शासकों ने। कनिष्ठ का राज्यारोहण कब हुआ? 78 ईस्वी में हुआ था। तो कनिष्ठ का राज्यारोहण कब हुआ था? 78 ईस्वी पर हुआ था। महाभारत का उपदेशात्मक अंग कौन सा है? भगवद गीता। उसके बाद महाभारत के समालोचात्मक संस्करण का कार्य किसके नेतृत्व में किया गया था? V.S. सुकथांकर। इसके बाद है आपका वर्तमान में महाभारत के श्लोकों की संख्या कितनी है? 10 लाख से भी अधिक है। उसके बाद है धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्र में विवाह के कितने प्रकार माने जाते हैं? कितने प्रकार थे? 8 प्रकार थे। मात्र नाम से चिन्हित किए जाने वाले शासक कौन थे? शक शासन, गुप्त शासन, कुषाण शासन, सातवाहन शासक। तो इसका हो जाएगा सातवाहन शासक इसका सही उत्तर होगा। पितृवंशिकता में पिता का महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या होता है? कन्यादान, लड़की का दान करना यानी कि विवाह करना। पुराणों का संकलन कब हुआ था? लगभग 400 ईस्वी में हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों 400 ईस्वी में हुआ था। महाभारत किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया। महाभारत की भाषा है संस्कृत। महाभारत के आख्यान शीर्षक में क्या है? कहानियों का संग्रह, शिक्षाओं का संग्रह, गीतों का संग्रह, सामाजिक आचार विचारों का संग्रह। तो इसका हो जाए आख्यान शीर्षक थे महाभारत के कहानियों का संग्रह। लघु कथा कुंती ओसादी निषादी की लेखिका कौन है? यहाँ पर पूछा गया कुंती ओ निषादी की लेखिका कौन है? महाश्वेता वर्मा। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों इसमें, इसका आंसर महाश्वेता वर्मा होगा, ना कि महादेवी वर्मा। तो थैंक यू वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।